आज खासदार इम्तियाज जलील साहब की निधि से हिंदी भवन से लेकर जो शाहगंज की पानी की टाकी का रास्ता है जो कि नहायत खस्ता हालत में था, तो आज उसका इनॉग्रेशन हुआ इम्तियाज जलील साहब के निधि से। और मैं समझता हूँ कि ये एक वाहिद खासदार है कि रोज़ाना, अगर मैं समझता हूँ कि एक से दो तीन जो है तो पूरे मतदार संघ के अंदर कंटिन्यूसली इनके इनॉग्रेशन चल रहे हैं और ये रिकॉर्ड तोड़ मैं समझता हूँ कि खासदार इम्तियाज जलील साहब अपनी निधि से काम कर रहे हैं और ये शहरियान के लिए बहुत अच्छी बात है क्योंकि कॉरपोरेशन में पिछले दो साल से कोई काम नहीं हुए लेकिन वहाँ पर खासदार इम्तियाज जलील साहब मैं समझता हूँ कॉरपोरेशन से ज़्यादा आज काम करने में सफल हुए हैं और ये खासदार इम्तियाज जलील को चुनकर देने वालों के लिए बहुत बड़ी बात है। खासदार इम्तियाज जलील साहब की निधि से जो एक हमारे वार्ड नंबर 46 और चोलीपुरा की बाउंड्री का एक रोड बचा हुआ था, तो अल्हम्दुलिल्लाह खासदार साहब को बोलने के बाद खासदार साहब ने इमिजिएटली वो रोड की जानी ली और ख़ुद आकर विजिट किया और वो काम चालू करने का आज उद्घाटन किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह क्योंकि ये बाउंड्री का वार्ड है मेरा और डॉक्टर अफजल साहब का, तकरीबन हमने आधा रोड बना चुके थे, थोड़ा सा रोड बचा हुआ था, तो खासदार साहब की निधि से आज अल्हम्दुलिल्लाह वो कम्प्लीट होने जा रहा है। इसके लिए मैं खासदार इम्तियाज जलील साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और इतना कहे कि मैं अपनी बात खासदार इम्तियाज जलील के स्थानीय निधि से शाहगंज का जो मेन रोड था हिंदी भवन के बच्चों को बहुत तकलीफ़ हो रही थी, यहाँ से राहगीरों को तकलीफ़ हो रही थी, सब ताजिरों को तकलीफ़ हो रही थी, हर आने जाने वाले को जो तकलीफ़ हो रही थी, आज अल्हम्दुलिल्लाह उसका निकाल लग चुका है। इम्तियाज जलील साहब के पर्सनल निधि से ये काम होने जा रहा है, सीमेंट कॉन्क्रीटिंग का, फिरोज खान साहब के वार्ड नंबर 46 और हमारा वार्ड नंबर 23 शेलीपुरे का जो है ये बॉर्डर का रोड था तो बहुत दिनों से पेंडिंग था, आधा हमारी कोशिशों की वजह से, फिरोज भाई की कोशिशों की वजह से जो है तो यहाँ पर आधा रोड हो चुका था, आधा ही बाकी था। अब अल्हम्दुलिल्लाह वो भी जो है तो इम्तियाज जलील साहब की निधि से आज उसका काम का इफ्तिताह हो चुका है और बहुत जल्द ये काम कल से या परसों से स्टार्ट हो जाएगा, ये यहाँ की सबकी तकलीफ इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएंगी। इम्तियाज जलील साहब के हम बहुत मशहूर है कि उन्होंने उनका पर्सनल जो है तो यहाँ पर विजिट देकर यहाँ की मालूम निकाल के यहाँ पर समझे कि यहाँ पर सही में तकलीफ़ है और इमीजिएट जो है तो फिर उसको निधि देकर जो है तो उनकी पर्सनल निधि से काम किया जा रहा है, हम बहुत मशहूर है साहब के। अस्सलाम वालेकुम आप सबको, मेरा नाम वसीम खान, मैं तहे दिल से इम्तियाज जलील साहब खासदार साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ क्योंकि हमने ज़्यादा से ज़्यादा जो है तो यहाँ पर फिरोज खान जो कारपोर्टर है और डॉक्टर अफजल जो कारपोर्टर है, दो बॉर्डर है यहाँ पर, एक मदीना मार्केट की तरफ एक हिंदी भवन की तरफ, क्योंकि स्कूल के बच्चे बहुत से यहाँ पर गिर रहे थे, बहुत से एक्सीडेंट हो रहे थे, उस ताल्लुका से जो है तो हमने यहाँ के नगर सेवक हमारे फिरोज खान और अफजल खान के पीछे लग लग के उन्होंने खासदार साहब को इमरजेंसी बोल के उनके पीछे करके पढ़ के जो है तो यहाँ पर जल्द से जल्द उन्होंने रोड का काम शुरू कर दिए, दो दिन के अंदर यहाँ पर रोड बनने का काम शुरू हो जाएगा। इतना कह के हमारे तमाम वार्ड के लोग और यहाँ के रिक्शे वाले और
सभी जितने भी दुकान वालों की तरफ से शुक्र अदा करते हैं हम खासदार साहब का भी और फिरोज खान साहब का भी और डॉक्टर अफजल साहब का भी। रोज नई खबरों को देखने के लिए हमारे औरंगाबाद समाचार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे बेल आइकन को दबाइए ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।